आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी केलों के शानदार कोफ्ते। आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम फिर से नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार पहाड़ी केलों के कोफ्ते। तो कोफ्ते कैसे बनते हैं वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपको वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पहले हमने कच्चे केले ले लिए हैं। कच्चे केलों को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। केले बॉयल करने के लिए हमने सबसे पहले पानी ले लिया है। अब हम इन्हें साबुत केले इसमें डाल देते हैं सारे केले, और 2 से 3 सीटी हम इसमें मरवा देते हैं। केले के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 प्याज ले लिए हैं। 4 प्याज को हम रफली काटेंगे। साथ में हमने 2 टमाटर लिए हुए हैं, टमाटर को हम पेस्ट बना लेंगे। हमने साथ में लहसुन लिया हुआ 3 कलियां और कुछ हमने मिर्च लिए हुए हैं। केले हमारे बॉयल हो चुके हैं, केलों को हमने अच्छी तरह छील लिया है। अब हम इसे हाथ से मैश कर लेते हैं, अच्छी तरह से इन्हें दबा लेते हैं इस तरह से। केलों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बेसन मिला देते हैं। केले और बेसन को अच्छी तरह से मिला देते हैं हम इस तरह से। कोफ्ते में हमने बेसन को अच्छी तरह से ऐड कर लिया है। साथ में हम इसमें नमक डालते हैं, साथ में लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया हम ऐड करेंगे। बस इतना ही हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे कोफ्ते बनने के लिए तैयार हैं। तो हम छोटे छोटे बॉल लेंगे और तुरंत इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को हम मीडियम आंच पे रखेंगे और छोटे छोटे हम बॉल्स लेते रहेंगे। इस तरह से बॉल्स लेने हैं, छोटे छोटे ऐसे बनाने हैं गोल। इस तरह से गोल बनाना है, इस तरह से बस। इसे हम तेल में डालते हैं इस तरह से। आपके पास जितना भी तेल हो उस हिसाब से आप कोफ्ते के बॉल्स डालेगा, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालोगे तो चिपक जाएगा आपस में। इस तरह से आपको बनाना है और बीच बीच में से पलटते रहना है। आंच को आपको मीडियम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो जो हमारे कोफ्ते के पकौड़े हैं वो जल जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो हमारे कोफ्ते थे उनको पकाते हुए हमें, यानी कि तलते हुए 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी तरह से आपने सारे कोफ्तों को तलना है इस तरह से। दूसरे राउंड में हम इसी तरह से अपने कोफ्तों को डालते रहेंगे तेल में और अच्छी तरह से हम इन्हें तल देंगे। कोफ्तों को हमने अच्छी तरह से तल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो बॉल का साइज है वो इसको इतना ही लेना है, इससे बड़े नहीं लेना है। अगर बड़े लोगे तो वो अच्छी तरह से तलेंगे नहीं और ना ही अच्छी तरह से तल पाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी। जिस कढ़ाई में हमने कोफ्तों को तला हुआ था उसी कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, उसी तेल में हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं इसमें, और साथ में साबुत धनिया भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। दोनों को अच्छी तरह से ब्राउन होने देते हैं। जीरा और धनिया हमारा ब्राउन हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। हम लहसुन और मिर्च को भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे। लहसुन का कच्चापन चले जाना चाहिए। जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। साथ में हम नमक ऐड कर लेते हैं और टमाटर को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी इसमें ऐड कर रहे हैं। हम 5 से 6 चम्मच धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ में हम 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे इस तरह से। साथ में हम इसमें 1 चम्मच बेसन भी यूज़ करेंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बेसन में कच्चापन होता है, उसे भी हम अच्छी तरह से तेल फ्राई कर लेंगे। अब हम मसालों में पानी ऐड कर लेते हैं। 1/2 गिलास पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसे पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हमारी ग्रेवी पानी के साथ अच्छी तरह से पकने लग गई है। हमें इतना पकाना है कि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से तेल छोड़ ले, उसके बाद वो पक के तैयार हो जाएगी। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हम इसमें कोफ्ते के बॉल्स ऐड करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोफ्ते बनाएं, जिसकी भी कोफ्ते बनाएं, चाहे लौके के बनाएं चाहे केले के बनाएं, तो नमक का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, नमक मिर्च का। जितना आपने जब बॉल बना रहे हो कोफ्ते के, तो उस समय ध्यान रखना है कि उसमें जितना आपने नमक मिलाया हो उसके हिसाब से आप ग्रेवी में मिलाएगा। तो नमक का जो रेशियो है उसको आप ध्यान में रखिए, अगर ज़्यादा मिला दोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, पहले कम ही मिलाएगा आप। अब हम केले के कोफ्तों को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिला लेते हैं। इतना मिला लेना है कि जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो कोफ्तों के अंदर अच्छी तरह से चले जाए और जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे बन के तैयार हों, स्वादिष्ट बन के तैयार हों और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हों, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब हम मीडियम आंच पे कोफ्तों को कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे ढक करके। केलों के कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका कलर है और इतना ही ये स्वादिष्ट भी हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले हमारे कोफ्ते हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो कोफ्ते हैं वो कितने शानदार बन के तैयार हुए हैं। हम इसे आपको काट के दिखाते हैं, इस तरह से देखिए आप कितना शानदार अंदर तक पके हुए हैं, ये देखिए आप कितना शानदार लग रहे हैं ये। इस तरह से आपको भी अपने घरों में कोफ्ते बनाने हैं। अब हम आपको कोफ्तों को छत पर दिखाते हैं, कितने शानदार हमारे कोफ्ते बने हुए हैं। केले के कोफ्तों को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप ले सकते हैं। केले के कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आप कि आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।